हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आपको इस चैनल के माध्यम से मेंटेनेंस से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम बात करेंगे, जो इससे पहले वीडियो आई है उसमें मैंने आपको VCB की सेफ्टी बताने की कोशिश की है और जो रिले लगी होती हैं VCB में वो कैसे काम करती हैं फ्रेंड, ये बताने की कोशिश की है। देन आज जो फ्रेंड्स हमारा मेन टॉपिक होने वाला है VCB के ऊपर, वो होगा फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ VCB, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स क्लोजिंग सर्किट। क्लोजिंग सर्किट का क्या मतलब है फ्रेंड्स, जो हमारी क्लोजिंग रिले होती है वो जो कमांड देती है या उसकी जो भी प्रोसेसिंग है उसे हम क्लोजिंग सर्किट बोलते हैं। देन उसके बाद बात करें तो आएगा फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट ट्रिपिंग सर्किट। ट्रिपिंग सर्किट फ्रेंड्स शंट रिले से कनेक्ट होता है और शंट रिले का जो भी प्रोसेस है उसे हम ट्रिपिंग सर्किट बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट की बात करें तो होगा फ्रेंड्स इंडिकेटिंग सर्किट। अब इंडिकेटिंग सर्किट का क्या मतलब है फ्रेंड, जो भी ब्रेकर के अंदर इंडिकेटर लगे हुए होते हैं फेज के, हेल्दी के, DC सप्लाई के, वो सारे इंडिकेटर हमारे इंडिकेटिंग सर्किट बनाते हैं फ्रेंड्स। देन लास्ट पॉइंट बताया हमारे फंक्शन का तो फोर्थ पॉइंट होगा फ्रेंड्स स्प्रिंग चार्जिंग। जो फ्रेंड्स स्प्रिंग चार्जिंग होती है आप सब लोग जानते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन से गुजर रहे हैं, कोई डिप्लोमा किया है या काम कर रहे हैं कहीं भी, स्प्रिंग हमारे चाहे वो LT ब्रेकर है चाहे वो HT ब्रेकर है, स्प्रिंग के बगैर ये होल्ड नहीं होते हैं। तो पहले उसे हम चार्ज करते हैं देन डिस्चार्ज करते हैं, तो ये भी एक फंक्शन ही होता है फ्रेंड्स VCB का। देन अगर हम बात करें पार्ट ऑफ VCB तो फ्रेंड्स मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँगा सिर्फ जो हमारे मेन पार्ट होते हैं VCB के, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये वीडियो कम्प्लीट होगी तो आप लोग देखेंगे कि लगभग VCB में जो भी है वो सारा कवर हो गया होगा। तो आज हम पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट में फ्रेंड्स अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ तो वो होती है हमारी वैक्यूम बोतल। अब वैक्यूम बोतल क्या होती है फ्रेंड्स, इसका जो आउटर एनवलप होता है वो ग्लास और सेरेमिक से मिल के बना हुआ होता है फ्रेंड्स, जो हमारी वैक्यूम बोतल होती है। तो फ्रेंड्स इसी को हम वैक्यूम चैम्बर बोलते हैं, जहाँ हमारी वैक्यूम बोतल लगी हुई होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा फ्रेंड्स वैक्यूम बोतल के अंदर ऊपर की तरफ लगे होते हैं फ्रेंड्स फिक्स कॉन्टैक्ट। अब फिक्स कॉन्टैक्ट और नीचे की तरफ लगे होते हैं फ्रेंड्स मूविंग कॉन्टैक्ट। तो फिक्स कॉन्टैक्ट अपनी जगह फिक्स रहेंगे और जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, जब हम VCB को स्टार्ट करने की कमांड देते हैं तो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स मूविंग कॉन्टैक्ट भी और फिक्स कॉन्टैक्ट भी हाई कंडक्टिंग मटेरियल से मिल के बने होते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो हमारा वैक्यूम चैम्बर होता है उसका जो प्रेशर है फ्रेंड्स वो 10^-6 टोर होता है। तो देन इसके बाद अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो होगा हमारा काउंटर। काउंटर क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली हम काउंटर को ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब हम अपनी बाइक से कहीं राइड पर जाते हैं तो जब हमारी बाइक 1 किलोमीटर चल चुकी होती है फ्रेंड्स, उसमें एक यूनिट बढ़ जाती है बाइक के मीटर में। सेम टू सेम फ्रेंड्स वैसा ही मीटर हमारे VCB में भी लगा हुआ होता है। उसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, उसमें जितनी बार हम अपने VCB ब्रेकर को ऑन करते हैं वो हमें शो होने लगता है कि हमने इतनी बार अपना ब्रेकर ऑन किया है। अब ये होता क्यों है फ्रेंड्स VCB के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वैसे ही हमारे VCB ब्रेकर में भी लिमिट आती है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5000 बार ऑन कर सकते हैं या 6000 बार ऑन कर सकते हैं, ऐसे एक लिमिट होती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए उस लिमिट को याद रखने के लिए हमारे पास VCB में काउंटर लगा हुआ होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। अब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी तो आप सब जानते हैं, अब VCB में इसका काम क्या है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यही होता है, जो भी हमारे ब्रेकर की इंटरलॉकिंग होती है या हमारे जो भी NONC स्विच होते हैं ब्रेकर के, उनकी जो इंटरलॉकिंग है वो सारी की सारी हमारी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के अंदर ही होती है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये 5 मेन पार्ट बताने की मैंने कोशिश की है इस वीडियो में। बाकी जो रिले लगी हुई होती हैं, ये पार्ट्स लगे हुए हैं, इसकी सेफ्टीज होती हैं फ्रेंड्स, इसमें इंडिकेटर कितने होते हैं, वो सारे भी एक पार्ट ही हैं, वो सारी चीज़ें मिलके ही VCB को बनाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।